तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। ये वीडियो जो है अपडेट के ऊपर तो होने वाली है, लेकिन मेनली इसमें मेरे रिएक्शंस और मैं करेंटली क्या फील कर रहा हूं मैं वो बताने वाला हूं, क्योंकि बाकी सारी अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। एंड आप अगर चैनल पर एक्टिव हो तो अप टू डेट हो हर चीज़ को लेकर, ठीक है। एक अपडेट थी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर CM पंक को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। उस अपडेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि WWE और CM पंक दोनों टॉक्स में है। CM पंक थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने रिटर्न के लिए एंड WWE भी मना नहीं कर रही है। हालांकि अभी डील डन नहीं हुई है, लेकिन स्टिल ये लोग जो हैं बात कर रहे हैं। तो बात करना पहले CM पंक से, यही एक बहुत शॉकिंग चीज़ है कि WWE को अपॉर्चुनिटी भी दे रही है CM पंक को, एंड इवन CM पंक रिटर्न रेडी हैं। ऐसे में इसके बाद एक बहुत ही मेजर न्यूज़ निकल के सामने आई हॉस ऑफ रेसलिंग की तरफ से, निक हॉसमैन की तरफ से। अगर आपको नहीं पता कि भाई अब ये कौन आ गया, तो मैं बता दूं, जब CM पंक का AEW के अंदर होने वाला था डेब्यू, तो जब CM पंक रेसलिंग में रिटर्न करने वाले थे इतने टाइम बाद, तो पहले जो सोर्स थे वो निक हॉसमैन ही थे जिन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट करी थी। सेम गोज विद डेव मिल्जर एंड फाइटफुल। तो निक हॉसमैन कुछ मेन सोर्सेस में से एक थे उस टाइम, एंड CM पंक का AEW में आना कितना शॉकिंग था वो आपको मालूम ही है। तो ऐसे में उस न्यूज़ पे भी जो है परफेक्ट खड़े उतरे थे निक हॉसमैन। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या न्यूज़ आई है हॉस ऑफ रेसलिंग यानी कि निक हॉसमैन की तरफ से। अब इनकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि WWE के एक एम्प्लॉय ने, एक सोर्स ने इनको बताया है कि CM पंक एट सर्वाइवर सीरीज इज़ अ सेफ बेट। सेफ बेट यानी कि आप चाहो तो शर्त लगा के रख लो, और शर्त लगाओगे इस चीज़ पे तो जीतोगे ही जीतोगे, क्योंकि एक सेफ बेट है कि CM पंक सर्वाइवर सीरीज में होने वाले। देख सकते होगे, अकॉर्डिंग टू वन WWE सोर्स, दे फील इट इज़ अ सेफ बेट दैट CM पंक विल बी एट WWE सर्वाइवर सीरीज। दिस इज़ सो सरियल भाई, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ। नेवर इमेजिन कि हमें CM पंक का WWE रिटर्न देखने को मिलेगा। पहले तो यही नहीं लग रहा था कि कभी वो रेसलिंग में रिटर्न करेंगे, एंड अभी 2023 में CM पंक सर्वाइवर सीरीज में कंफर्म है कि आएंगे। बूजर रेस्लिंग भी इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं एंड कहते हैं, माई पर्सनल ओपिनियन इट्स हैपनिंग। बूजर रेस्लिंग ने भी कंफर्म कर दिया है कि इनके ओपिनियंस के हिसाब से भी ये चीज़ हो रही है, यानी कि सर्वाइवर सीरीज में CM पंक आ रहे हैं। इन्होंने क्लियर करा, देयर आर नो फस, नो इशूज, नो वरीज, नो डील येट दो, सो स्टे पट। तो इन्होंने कहा कि अभी डील नहीं है, लेकिन हाँ कोई इशू नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कुछ भी जो है झंझट वगैरह नहीं है, झमेला नहीं है। इनसे कमेंट के अंदर एक बंदा पूछता है कि क्या ये लोग सर्वाइवर सीरीज तक एक डील सिक्योर करेंगे, तो ये कहते हैं बिल्कुल सिक्योर करेंगे एंड CM पंक सर्वाइवर सीरीज में आएंगे। तो भाई अब जितने भी ट्रस्टेड सोर्सेस हैं CM पंक के अराउंड, उन सब ने ही कंफर्म कर दिया है कि CM पंक आने वाले हैं। चाहे बात कर लो हाउस ऑफ रेसलिंग की, चाहे बात कर लो डेव मिल्जर की, चाहे बूजर, सबसे ट्रस्टेड बूजर है करेंटली, इसने भी कंफर्म कर रखा है, जेरो न्यूज़ ने कंफर्म कर रखा है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, एंड सबका कहना है कि सर्वाइवर सीरीज़ में CM पंक कंफर्म है। अच्छा, ये वीडियो भी 8 मिनट की हो सकती है, मैं बता दूं भाई 8 मिनट की वीडियो अब थोड़ा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसको थोड़ा नज़र में रख के मुझे 8 मिनट की वीडियोज़ बनानी पड़ रही हैं। एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो समझ जाना कि ये जानबूझ के खींच रहा है, ठीक है। तो CM पंक को लेके ये सारी अपडेट्स है जो कि कंफर्म बता रही है कि वो सर्वाइवर सीरीज़ में अपियर होंगे। एंड अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, शायद 50 दिन 51-52 दिन कुछ इतने दिन बचे हुए हैं। नवंबर एंड में आने वाले हैं CM पंक सर्वाइवर सीरीज़ में अपियर होने वाले हैं, एंड ये चीज़ कंफर्म है कि होने वाली है, देयर इज़ नो डाउट। WWE डील सिक्योर करेगी, CM पंक को साइन करेगी एंड CM पंक सर्वाइवर सीरीज में अपियर होंगे। एंड CM पंक के पास अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, वो WWE में अच्छे खासे टाइम के लिए कम्पीट कर सकते हैं, 4-5 साल 6 साल ईजिली। और मैं चीज़ गारंटी करके कह सकता हूँ भाई कि WWE में आने के बाद ये जो बैकस्टेज ड्रामे हैं वो नहीं होने वाले हैं। कैसे कह सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ, ये जो AEW के अंदर मेजर ड्रामे हुए हैं CM पंक के, उसके पीछे का मेन मोटिव यही था कि CM पंक को WWE में आना था। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, CM पंक WWE वालों से मिलने आए थे, उसके बाद जो है दोबारा उनका AEW के अंदर रिटर्न हुआ, पहले ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सी हो रखी थी, एंड फिर रिटर्न होने के बाद फिर सेम ड्रामा होता है। स्पेशली CM पंक जब वॉकआउट कर रहे होते हैं तो रोमन रेंज का एक्नॉलेज मी वाला साइन भी देते हैं। तो ऐसे में इतने सारी चीज़ें भाई एक्सीडेंटल नहीं है, ये चीज़ जो है कन्फर्म है कि CM पंक जानबूझ के इस चीज को इंटेंशनली कर रहे थे, एंड फाइनली AEW से उन्होंने पल्ला छुरा लिया है एंड अब वो WWE के अंदर आ सकते हैं। WWE से ही बात करने के बाद ये सारी चीजें हुई थी, एंड अभी देख लो भाई वो सारी चीजें हो चुकी हैं, AEW से फायर हो चुके हैं जानबूझ के। तो अब WWE के अंदर आना उनके लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, एंड अब WWE के अंदर आएंगे। अब CM पंक WWE के अंदर आएंगे भाई, तो कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे फ्यूड्स हैं, मैचेस हैं जो कि हो सकते हैं। CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, CM पंक वर्सेस जॉन सीना, ये एक इतना
का एंकर होगा सीएम पंक जॉन सीना। अभी जॉन सीना रिटायर हो नहीं रहे हैं, कुछ फ्यूट्स देंगे वो WWE के अंदर, एंड सीएम पंक आ जाएंगे तो पक्का सीएम पंक जॉन सीना एक गारंटीड फ्यूड है जो कि होगी। सीएम पंक कोडी रोड्स एक और अमेजिंग फ्यूड, क्योंकि कोडी रोड्स भी AEW से, सीएम पंक भी AEW से, तो भयंकर फ्यूड होगी सीएम पंक वर्सेज रोमन रेंस। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हो कि इस टाइम पर कितनी हाइप बनेगी? इमेजिन करो जब सीएम पंक सेथ रॉलिंस होने वाला होगा, इमेजिन करो जब सीएम पंक जॉन सीना होने वाला होगा, सीएम पंक वर्सेज कोडी होने वाला होगा, सीएम पंक वर्सेज ब्रॉक होने वाला होगा, और जब सीएम पंक वर्सेज रोमन होने वाला होगा। जस्ट इमेजिन, हाइप सिर्फ इमेजिन करो। अभी भाई एज अ रेसलिंग फैन छोड़ो ना, एज अ WWE फैन भाई इतना इंजॉय कर रहा हूँ मैं पर्सनली इस टाइम को। एज अ यूट्यूबर साइड हटाओ, सिर्फ अगर एज अ फैन बोलूँ, ये जो पूरी वीडियो मैं एज अ फैन ही बना रहा हूँ, तो कितना कुछ चल रहा है। आप देखो WWE के अंदर जेड कारगिल आ गई, उनका डेब्यू होने वाला फास्ट 10 में आपको देखने को मिलेंगी, उसके बाद हो सकता है उनकी स्टोरी कंटिन्यू हो। देन आपको रोमन रेंस रॉक देखने को मिलेगा, रॉक का रिटर्न अभी 15 सितंबर को हुआ। कितनी सरियल चीज़ें हो रही है, जॉन सीना एक एक्टिव रन पे है, फिर जॉन सीना जाएंगे, फिर रेसलमेनिया के लिए आएंगे, एंड उसके बाद सीएम पंक कंफर्म है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, एंड आई कांट से जब मैं सोचता हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में, तो पता नहीं एक अलग सी वाइब्स आती है, एक अलग सी फील आती है, आँख में पानी आ जाता है। पता नहीं, ऐसा नहीं कि मैं इमोशनल हूँ, मैं जब ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ कि भाई इतनी सारी चीज़ें हो रही है क्या, तो मेरे आँखों से पता नहीं क्यों पानी आने लगता है। तो वैसे भी अभी करेंटली मेरा वही सिचुएशन है, सीएम पंक इज कमिंग बैक, इट इज़ फाइनली हैपनिंग। मुझे याद है 2019 में यूट्यूब पे आया था, तब से हम ये वीडियोस बना रहे हैं कि सीएम पंक को लेके ये टीज हो गया, सीएम पंक वहाँ वहाँ आ सकते हैं, AEW जा सकते हैं, इधर उधर 50 अपडेट्स, लेकिन कभी भी सीएम पंक नहीं आए, क्योंकि सीएम पंक का रेसलिंग में रिटर्न हुआ ही नहीं था। AEW के अंदर रिटर्न हुआ सीएम पंक का, रिपोर्ट्स जो आई थी सोर्सेज की तरफ से सही आई। अगेन उन सारे रिपोर्टर्स ने, सारे सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक इज़ अ सेफ बेट फॉर सर्वाइवर सीरीज, एंड अब रिटर्न पक्का है। तो 10 से 11 साल बाद सीएम पंक की वापसी हो रही है WWE के अंदर। WWE को कोई दिक्कत नहीं है सीएम पंक को साइन करने में, सीएम पंक स्पेशली अपनी साइड से इंटरेस्टेड हैं। अब ये डील कितनी मोटी होगी, डील के अंदर क्या क्या मेंशन किया जाएगा, क्या एक वर्ल्ड टाइटल रन भी मेंशन है, वो सारी चीज़ें जब पता चलेगी जब सीएम पंक WWE के साथ साइन कर लेंगे, जो कि डील ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ उसको पेपर पे करना बाकी है। एंड सर्वाइवर सीरीज में सीएम पंक अपियर होंगे फॉर श्योर। शिकागो की क्राउड भाई भयंकर मजे लूटने वाली है। टोनी खान ने डिसअपॉइंट करा शिकागो में ही उनको फायर करके, लेकिन WWE बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। सर्वाइवर सीरीज में एक मेजर सरप्राइज आपको 110% देखने को मिलेगा सीएम पंक के रूप में। तो ये थी कंप्लीट वीडियो A to Z अबाउट सीएम पंक, एंड आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो प्रॉपर। मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, ऐसी ही WWE अपडेट्स, न्यूज़, रूमर वगैरह के लिए। इससे पहले ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियो आ चुकी है बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी चेकआउट कर लो, बहुत सारी अपडेट्स उसमें। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, साथ में ज्वाइन करें व्हाट्सएप चैनल को, लिंक उसकी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, एंड मिठाई बंटवाओ भाई।